नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाह की पाठशाला, सरकार, संगठन और समीक्षा। जी हां, उत्तराखंड प्राइम में बात होगी सबसे पहले इसी मुद्दे की। बीजेपी संगठन कप्तान अमित शाह मंगलवार को सुबह करीब 9:30 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे तो उत्तराखंड बीजेपी की पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति में बैठे तमाम नेताओं में जोश भराया। शाह साहब अपने शेड्यूल के तहत जौलीग्रांट से सीधे दून पहुंचे और कार्यक्रम की मेजबानी शुरू कर दी। बंद कमरे के भीतर बैठकों का सिलसिला चला। बंद कमरे में क्या कुछ चल रहा था ये तो मालूम नहीं, मगर बाहर वालों के दिल की धड़कनें भी बेचैन हो रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा तो पता चला कि आखिर बंद कमरे में चल रही शाह की पाठशाला में किसकी क्लास लग रही है और किसको शाबाशी दी जा रही है। हाँ, इस बैठक में कई मैंने भी इसके निकाले जा रहे हैं। एक ओर सूबे में डबल इंजन सरकार को 6 महीने पूरे हो रहे हैं तो दूसरी ओर शाह का यहां पहुंचना यकीनन कई मायनों में अहम माना जा रहा है। शाह की सीट के एक तरफ सीएम साहब तो दूसरी तरफ संगठन कप्तान अजय भट्ट बैठे रहे। आज एक घंटा शाह के दौरे के पहले दिन क्या कुछ चलता रहा उस पर हम चर्चा करेंगे। दिन भर सूबे की सियासत में क्या रहा, विस्तार से इस पूरे विषय को खंगालेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। बात करते हैं इसी मुद्दे की। चले तो आज उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत कुछ तस्वीरों से करते हैं। और आपको बता दें कि जो हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। इन तीन तस्वीरों के जरिए जरा समझने देखने की कोशिश कीजिए किस तरीके का उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। तमाम कार्यकर्ता सुबह सुबह ही आपको बता दें कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुँच गए। तमाम आप देख सकते हैं जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर किस तरीके से जमावड़ा कार्यकर्ताओं का से लेकर के तमाम लोगों का वहां पर देखने को मिला। बाकायदा उनके स्वागत के लिए किस तरह की तैयारियां की गई थी। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मधुवन होटल की, जहां पर कि आज कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर बैठक हुई। दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम बीजेपी के संगठन कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के पदाधिकारी, तमाम लोग स्वागत के लिए उपलब्ध रहे, वहाँ पर मौजूद रहे। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम के अंदर की, जहाँ पर अमित शाह की बैठक हुई, जहां पर उन्होंने वार्तालाप किया, बातचीत की तमाम संगठन कार्यकर्ताओं, पार्टी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के साथ। ये तमाम तीनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से हुजूम देखने को मिला, किस तरीके से तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन के वरिष्ठ नेता जो है स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार दिखाई दिए। चलिए अब जरा इन तस्वीरों से बाहर निकलते हैं और इन तस्वीरों के आगे की कड़ी अब आपको हम एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे और बताएंगे। दून के मधुवन होटल के कमरे में मंगलवार के दिन शाह की पाठशाला चली। शाह साहब एक एक स्टूडेंट के विचार और शिकायतें एक एक करके सुनते रहे और स्टूडेंट अपनी समस्या बताते रहे। जरा इस रिपोर्ट के जरिए इस समझने की कोशिश कीजिए कि पाठशाला के अंदर का माहौल कैसा रहा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान देहरादून पहुंचे, जहां वो मधुबन में पहुंचे और उसके बाद यहां पे एक बैठक का दौर जारी है जिसमें सांसद, विधायक और तमाम मंत्रीगण मौजूद हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की पहली बैठक में पार्टी के आला पदाधिकारियों और सरकार के कैबिनेट मंत्री और विधायक पहुँचे हुए थे, लिहाजा बिग बॉस ने इस बैठक में उनके मन की बात सुनी। पदाधिकारियों के ये सुझाव 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा जीत हासिल करने के लिए तो थे ही, उत्तराखंड जैसे सीमांत पहाड़ी राज्य की बेहतरी के लिए भी थे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सुझाव सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र रावत के लिए भी थे, जो सूबे में भाजपा सरकार की ड्राइवर सीट पर बैठे हैं। इस वक्त हम मधुबन होटल के उस कमरे के सामने खड़े हैं जहां पे अमित शाह बैठक ले रहे हैं। बैठक में विधानसभा
विधान और पालकों की बैठक की जा रही है, जिसमें कि खासतौर सभा को बूथ लेवल पर काम करने की जरूरत को लेकर के नसीहत दी जा रही है। जो पीछे कमरा है वहाँ पे एक बैठक की जा रही है, अमित शाह उस बैठक को ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहली बैठक में करीब 65 पार्टी पहलवानों ने शिरकत की और पार्टी अध्यक्ष के सामने अपने सुझाव रखे। बैठक की खास बात ये थी कि जब अमित शाह पदाधिकारियों के सुझाव ले रहे थे तो उस वक्त सूबे के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वहीं मौजूद थे। इसके साथ ही बैठक में अमित शाह का वो तकनीकी प्रशिक्षित स्टाफ भी था जिन पर नए दौर की नई भाजपा बेहद यकीन करती है। आईटी से लेकर मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाली अमित शाह की टीम ने राज्य भाजपा पदाधिकारियों के हर सुझाव को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने नोट किया। मतलब साफ था कि अमित शाह अपने पसंदीदा सीएम त्रिवेंद्र रावत को भी जता रहे थे कि 6 महीने के राजकाज में अभी पदाधिकारियों के सुझाव पर ही जब सरकार ने काम नहीं किया है तो आम कार्यकर्ता और जनता की बात तो छोड़ ही दीजिए। के बाद वो जैसे ही मधुबन होटल में पहुंचे, जहां पे पहुंच करके जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं यहां पहुंचने के बाद जैसे ही वो अंदर पहुंचे होटल के जो सभागार में पहुंचे और वहां पे उनके द्वारा एक बैठक आयोजित की। माना जा रहा है कि ये सुझाव राज्य की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार से और ज्यादा मदद कैसे ली जाए इसलिए भी थे, ताकि सरकार फौरन हरकत में आते हुए नए डिमांड ड्राफ्ट बनाए और केंद्र उस पर अमल करे, ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव की रैलियों में आम वोटर को डबल इंजन सरकार का असली मतलब समझाया जा सके। खैर, सुझावों का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि मधुबन में मन की बात हुई, पदाधिकारियों ने कही और पार्टी सुप्रीमो ने सुनी। देहरादून से हरीश खनेड़ा के साथ कैमरामैन राजन बड़ोला और सुमित डबराल, जैन टीवी, देहरादून। चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए ज्योति प्रसाद गहरौला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। गहरौला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार गहरौला साहब, आपसे तमाम सवाल करें आज अमित शाह के दौरे को लेकर के, उससे पहले हम चाहेंगे तमाम बड़े सवाल अपने दर्शकों के लिए हम टीवी स्क्रीन पर लेकर के आ जाए। सवाल नंबर एक ये कि अमित शाह के दौरे से क्या भाजपा की सियासी सूरत बदलेगी? ये तमाम सवाल हैं, एक एक करके हम उन सवालों को आपके आपके सामने उठाएंगे, लेकिन उससे पहले गहलोत साहब से बातचीत कर लेते हैं। गहलोत साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज अमित शाह पहुंचे और हमने देखा किस तरीके का तामझाम देखने को मिला जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर के मधुबन होटल के बीच में। सवाल ये पहला तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ हुआ, जरा इसके बारे में कुछ अंदर की बातें बता सकते हैं क्या आप? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह 23वां राज्य है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 या 3 दिन के प्रवास पे जा रहे हैं। इन सारे राज्यों के प्रवास में संगठन को विस्तार करना, संगठन को मजबूती प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य है। पूरी तरह से यह संगठन को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान रखकर किया गया प्रवास है। जॉली ग्रांट से मधुबन तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्थान स्थान पर भव्य स्वागत हुआ है और मधुबन में अलग अलग प्रकार की बैठकें वहां पर निर्धारित की गई थी और कई मोर्चे के पदाधिकारी बैठे थे, कई प्रदेश के पदाधिकारी थे, कई जिला अध्यक्ष थे, कई हमारे विस्तारक और पालक श्रेणी के कार्यकर्ता थे। अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ताओं की बैठक थी और उस सभी बैठकों में कार्यकर्ताओं का संवाद, अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन यही रहा जी। किन किन विषयों पे चर्चा हुई, इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? कि क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, संगठन का के विषय हैं, पार्टी के अंदर कई सारी चीजें घटनाक्रम घटा है इन 6 महीनों में सत्ता में आने के बाद, क्या उन तमाम विषयों पे भी चर्चा हुई या सिर्फ आज बातें सुनी गई और आगे आने वाले दिनों में यानी कल जो है अपनी तरफ से अमित शाह कुछ कहेंगे? आज कहने की बात कहा ना जी, यह पूरी तरह से संगठन केंद्रित प्रवास है
संगठन को आधार मानकर संगठन को बढ़ाने के लिए, संगठन को और मजबूत करने के लिए मैंने कहा भाजपा के जो अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के संगठन की कार्यशैली, यहाँ के संगठन का कामकाज करने का तरीका और जो अन्य राज्यों में कामकाज करने का तरीका है, उसके जो अच्छे उदाहरण है वो कैसे यहाँ पर उसको और अच्छा किया जा सकता है जी। एक कुल मिलाकर बैठक विशुद्ध रूप से संगठन केंद्रित रही है और संगठन के ही सुझाव और संगठन का ही मार्गदर्शन रहा है जी। चलिए जरा आप बने रहे हमारे साथ, हमारे संवाददाता आज दिन भर ग्राउंड जीरो पे जॉली ग्रांट से लेकर के मधुवन तक तमाम जगहों पे लाइव रिपोर्टिंग करते रहे, तमाम तस्वीरें आज दिन भर हम दिखाते रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं। हरीश आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खबरें आपको मिली आज, क्या कुछ घटनाक्रम रहा, कौन कौन लोग थे, क्या कुछ अंदर से बातें पता चली, जरा बताइए हमारे दर्शकों को आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं। देखिए जिस तरह से बात की जाए तो आज बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दो दिवस के दौरे कर रहे हैं उत्तराखंड के और देहरादून में पहुंचे, उसके बाद मधुबन होटल में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जो खासतौर पर उत्तराखंड के विकास को लेकर की बातें की गई और खासतौर पर उसमें जो मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं और जो भी पदाधिकारी रहे हैं वो साथ में रहे। उस बैठक के दौरान तमाम चीजें रखी गई है, खासतौर पर उसके बाद की अगर बात करें तो फिर बैठक की दूसरी बैठक की थी 3 बजे, उसमें भी कुछ चर्चा की गई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जो अंदर से जो खबरें निकल के बाहर आ रही थी उसमें बताया जा रहा है कि 65 सुझाव मांगे गए थे, जो यहाँ के जो विधायक हैं उनने 65 सुझाव रखे हैं उनके सामने, अमित शाह के सामने, जो खासतौर से उत्तराखंड के विकास को लेकर के हैं और जो विधायक विधायकों के तमाम जो इलाके हैं उनको विकास करने की, उनको कैसे विकास की जो है उनको लेकर के सुझाव दिया गया। और उसके बाद की अगर बात करें तो सतपाल महाराज और विनोद चमोली का जो आपसी था वो भी बताया जा रहा है कि वो भी सामने आया, लेकिन हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई और ऑन द रिकॉर्ड कोई भी इस बात को नहीं कहने को तैयार था, लेकिन जिस तरह से कानाफूसी की जा रही थी उनसे ये बताया जा रहा था कि जिस तरह से सतपाल महाराज और विनोद चमोली का जो मामला रहा है वो भी अमित शाह के सामने रखा गया। और साथ ही साथ जो विनोद चमोली है उन्होंने अपनी बात ये भी रखी थी कि सारा शराबबंदी को लेकर के जो आंदोलन किया जा रहा था उसमें जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको सरकार से जो लोगों पर मुकदमा हुआ है वो मुकदमा वापस लेने की भी विनोद चमोली ने बात की है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो काफी कुछ इस बैठक में रहा है। उसके बाद जिस तरह से बात करें तो जो सरकार के जो प्रतिनिधियां हैं उनमें भी एक आवाज भी उठाई थी जिनको तवज्जो नहीं मिल रहा है सरकार में, तो इससे भी काफी देर चर्चा की गई है। हालांकि उसके बाद फिर से जो केंद्र पोषित जो योजनाएं होती है उनका जो यहाँ पे जो पहुंचना चाहिए था वो पहले की अगर बात करें तो पहले 90% यहाँ पे निधि मिलती थी, उसके बाद की अगर बात करें तो उसे 50-50 कर दिया गया था। इसको लेकर के भी काफी चर्चा इससे की गई है, खासतौर पे विकास किस तरह से हो और केंद्र की जो योजनाएं हैं वो धरातल पे उत्तराखंड में किस तरह से उतारी जाए, इनको लेकर के तमाम बातें की गई है, तमाम चर्चाएं की गई है। बैठक लगातार बैठक का दौर जारी था, लेकिन उसके बाद ठीक है। हरीश आप बने रहिए, हरीश आप मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। जो हमारे साथ गरौला साहब भी मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा जो बड़े सवाल हैं जरा अपने दर्शकों के लिए टीवी स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। सवाल नंबर एक ये कि शाह के दौरे से क्या वाकई में भाजपा की सियासी सूरत बदलेगी। सवाल नंबर दो कि क्या पहला दिन सवाल और सुझाव में ही बीत गया। सवाल नंबर तीसरा ये कि शाह की पाठशाला के बाद आखिर में निष्कर्ष क्या निकलेगा। और अगला सवाल ये है क्या बीजेपी में अब वाकई में सब कुछ ऑल इज वेल दिखेगा, क्योंकि इस दौरान इन 6 महीनों में इतनी तस्वीरें पार्टी के अंदर खराब स्थिति की देखने को मिली हैं कि सब कुछ स्थिति साफ दिखाई नहीं दे रही है। अगला सवाल ये कि मिशन 2019 के लिए क्या पूरी तरीके से भाजपा अब चुनावी मोड में आ चुकी है। और अगला सवाल ये कि सरकार संगठन के काम की समीक्षा से क्या अमित शाह खुश हुए या फिर उनको लग रहा है कि वाकई में इन 6 महीनों में नाराजगी लोगों की ज्यादा देखने को मिल रही है। और आखिरी सवाल यह कि अमित शाह की नाराजगी की जो खबरें आ रही हैं उसका सियासी सच क्या है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हमारे रिपोर्टर हरीश खनेड़ा जो कि
सुबह से इस पूरी रिपोर्ट को आपको दिन भर पहुंचाते रहे। साथ ही साथ हमारे साथ गैरवला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। गैरवला साहब, जो खबरें आ रही हैं जिसका जिक्र अभी कर रहे थे हरीश खनीड़ा हमारे संवाददाता की, ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं पर ऑफ द रिकॉर्ड इस तरह की भी बातें हैं कि जो मेयर विधायक का मामला हुआ, उन तमाम विषयों को भी अमित शाह के सामने उठाया गया, आप इस बात की कोई पुष्टि करना चाहेंगे? इस बात की, ये जो तमाम विवाद पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, खासतौर से हरिद्वार विवाद की का जिक्र भी आज की जो बैठक हुई है कमरे के अंदर उसमें इस बात का भी जिक्र छिड़ा था, आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं? मैं तो पहले कह चुका हूँ कि पूरी तरह से संगठन के लिए बैठक है, इन बैठकों में ऐसे विषय आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई सवाल ही नहीं है, उसके जवाब काहे का। ये जो है मुझे लगता है कहीं की स्थिति है आपके उसमें। आपसे मैं जान, आप कह रहे हैं पूरे तरीके से संगठन को लेकर के बातचीत बैठक हुई है, तो समस्या भी तो संगठन के अंदर ही थी ना, ये जो स्थितियां बिगड़ती हुई दिखाई दी हरिद्वार रुड़की तमाम जगहों पर, ये संगठन की तो समस्या है कि आपस में ही समर्थक भिड़ रहे हैं। और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सतपाल महाराज ने खुद एक किसी बात का जिक्र करते हुए इस बात को उठाया था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। संगठन को बढ़ाने को, संगठन के विस्तार को लेकर, संगठन के विषय को लेकर ही बैठके हुई है। सरकार के सामने भी कई सारी चुनौतियां हैं, विपक्ष के साथ साथ किसान भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, इन तमाम विषयों को लेकर के भी कोई बातचीत हुई क्या? सरकार के कामों की भी समीक्षा हुई क्या? मैंने कहा ना, संगठन केंद्रित बैठक रही है, संगठन के विषय रहे हैं, संगठन के जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है जी, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी काम करती है, भारतीय जनता पार्टी में फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, यहाँ का कामकाज कैसा है, यहाँ का संगठन का विस्तार पार्टी का जिला स्तर पर है, मंडल स्तर पे है, बूथ स्तर पर है, हमारा आधार, हमारा व्याप कहाँ तक बढ़ा है, इन सब विषयों पे केंद्रित बैठकें रहती है संगठन की, और उसको कैसे और अच्छा किया जा सकता है जी। अनेक राज्यों के जहाँ अच्छे उदाहरण है उनके सुझाव आते हैं जी, तो ऐसी बैठकों में कार्यकर्ताओं को यही लाभ मिलता है कि उनको पूरे देश के अनुभवों का लाभ मिलता है अपने नेताओं के माध्यम से, और कुछ सीखने को मिलता है, इससे नए नए अनुभव आते हैं, नए नए अनुभवों को लेकर कार्यकर्ता अपने कार्य क्षेत्र में जाएगा, जिला अध्यक्ष है वो जिले में जाएगा, मंडल अध्यक्ष है मंडलों में जाएगा, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है अपने फ्रंटों पे काम करते हैं। आप गए थे केरला साहब जी? आप गए थे? हाँ, जिस श्रेणी की बैठक में मुझे रहना था उसमें मैं रहा। ठीक, उसमें 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 कोई बात हुई ऐसी किसी विषय को, कोई विवादित विषय पर बातचीत? नहीं, यहाँ कोई विवाद ही नहीं है। विवाद कौन खड़े कर रहा है जी? अब ये अपने आप में बड़ा विवाद हो जाएगा अगर आप ये कहेंगे कोई विवाद ही नहीं है तो जी। कोई विवाद नहीं है। चलिए चलिए, मुस्कुराइए, आप भी ये कहते हैं केवल संवाद है। और संवाद भी, लेकिन नहीं, संवाद तो है लेकिन वो संवाद कई बार लाठी डंडों और चप्पलों जूतों से हो रहा है, ये इसको लेके समस्या क्या है? हाँ, हमारे यहाँ ठीक है। नहीं, वो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, चलिए ठीक है। कहते हैं ना, वो दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो अच्छी बात है। जरा हरीश से पूछ लेते हैं। हरीश, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, आप दिन भर इन तमाम चीजों पे लगे रहे, अभी ये बता रहे हैं हमारे साथ गैरवला साहब, वो कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ऑल इज वेल है, किसी भी विषय बातचीत नहीं हुई, संगठन की के बारे में बढ़ाने पर बातचीत हुई, बाकी राज्यों में जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, किस तरीके से संगठन को मजबूत बनाया जाए, वहाँ के उदाहरण पेश किए जाए, ये इतनी सब कुछ साफ सुथरी तस्वीर है या अंदर खाने में बहुत सारी चीजें हैं जो एक पर्दे के अंदर ढकी गई है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि पर्दे के अंदर ढकी हुई चीजें, अंदर खाने बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अभी ऐसे कोई बात एकदम पुष्टि से कोई बात ऐसे नहीं कह पा रहा है, ऑन द रिकॉर्ड इस बात को नहीं कह रहा है कि अंदर क्या कुछ हुआ, लेकिन अमित शाह काफी नाराज भी नजर आए अंदर, जिस तरह की जो बातें बाहर निकल रही थी, अंदर से जो बाहर जो बातें हो रही थी, खासतौर पर एक जो मेयर विधायक की जो लड़ाई है, आपकी लड़ाई, उसको लेकर के भी अमित शाह काफी नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से अगर बात करें तो एक जिस तरह से जो संगठन को मजबूत करने की बात की जा रही थी, और हालांकि
सरकार और संगठन के बीच कोई समीक्षा नहीं की जा रही थी, लेकिन अंदर खाने पूरे सरकार और संगठन की समीक्षा की जा रही थी, जिसमें की 2019 को लेकर के चुनाव नजदीक है, इसको लेकर के भी बातें की जा रही थी और खासतौर पर बूथ वाइज काम करने की बात की जा रही थी जो तमाम इलाकों में है, जो खासतौर पर हम दिवस क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे भी बूथ वाइज काम करने की बात की जा रही थी संगठन को मजबूत बनाने के लिए। और जैसे कि अब चुनाव बहुत नजदीक है, उसको लेकर के पूरी तैयारियां की जा रही थी और तमाम जिले भर से लोग यहाँ पहुंचे हुए थे, महामंत्री से लेकर के जो मंडल अध्यक्ष हैं वो भी बैठक के हिस्से में थे। और खासतौर पे जो बात करें तो एक बड़ी बात ये थी कि जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था और वर्तमान सरकार ने इसे खारिज कर लिया था, इसको लेकर के भी मांग उठाई गई कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। चलिए हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दिन भर जो कुछ घटनाक्रम रहा उन तमाम चीज़ों को बताने के लिए। एक चीज़ और आपसे गरौला साहब समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने परिवार इतना बड़ा कर लिया है और अंदर खाने में भी ये बातें आ रही हैं कि जो लोग बाहर से आपने आयात किए वो लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपकी पार्टी के जो पुराने लोग हैं उनको वो अच्छे नहीं लग रहे हैं या फिर जो लोग नए आए हैं वो ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, समस्या पता नहीं, पर हाल फिलहाल में जो भी विवाद हुए उसमें एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर रहा जो कि हाल के चुनाव से ठीक पहले आपकी पार्टी में शामिल हुआ। गहराला साहब, चलिए लगता है कि हमारे साथ उनसे संपर्क टूट गया है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। हालांकि बीजेपी के लोग ये तमाम बातें कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा रहा और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हुई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब 2019 नज़दीक हो और टारगेट इतना बड़ा रखा गया हो तो क्लास भी लगी होगी, उस तमाम विषयों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि मंगल के दिन शाह साहब का मूड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अब इन बातों में कितना दम है ये तो मालूम नहीं, मगर जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक तो यही कहा जा रहा है। जरा इस रिपोर्ट के जरिए आप भी जानिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड पहुंचे, जहां पर उनका 6 जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से होटल मधुबन तक जिस अंदाज में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे, उससे लग रहा था कि वो उत्तराखंड सरकार से खुश नहीं है। पहले कहा जा रहा था कि शाह का कई चौक चौराहों पर शानदार स्वागत होगा, शाह कार्यकर्ताओं के अभिनंदन को स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जहां पार्टी कार्यकर्ता चौक चौराहों पर भाजपा की टोपी और पटके लगाए रह गए, तो वहीं महिला कार्यकर्ता पार्टी के झंडे से मैच कर सूट साड़ी और ब्लाउज में शाह का इंतजार करती रह गईं और पार्टी अध्यक्ष धड़धड़ाते हुए निकल गए। संपर्क को संगठन का प्राण मानने वाले शाह ने कार्यकर्ताओं के लिए अपना हाथ तक हिलाना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद होटल मधुबन में बैठक हुई और जिस अंदाज में शाह ने पार्टी के राज्य स्तरीय आला पदाधिकारियों की पहली बैठक ली, उससे पता चला कि उनका मूड राज्य में चल रही दिग्गजों की खटपट से खराब है। जो खबरें आ रही हैं उन पर यकीन करें तो शाह ने आला अधिकारियों को अपने अंदाज में हिदायत दी है कि घर की बात चौक चौराहों पर नहीं जानी चाहिए। यकीनन पिछले महीने हरिद्वार के सड़कों पर मेयर मंत्री के समर्थकों के बीच जिस तरह से लाठी डंडे चले, उसकी रिपोर्ट दिल्ली तक भी पहुंची थी। पिछले दिनों पर्यटन महकमे में जारी विज्ञापन से सीएम की गायब तस्वीर का मामला अमित शाह के संज्ञान में भी आया है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बंद कमरे में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अपना दुखड़ा भी शाह के सामने रखा, हालांकि दबी जुबान में ही सही। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मंच पर सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को दूर कोने वाली सीट दी गई, जबकि महाराज टीआरएस सरकार में पर्यटन और सिंचाई जैसे अहम विभाग संभाले हुए हैं। माना जा रहा है कि इस नसीहत के बाद अब शायद खटपट की कोई खबर भाजपा के किले से बाहर आ पाए। सच क्या है ये तो भाजपा ही जाने, लेकिन जो खबरें अंदर से बाहर आई उन खबरों पर यकीन करें तो बंद कमरे में सवाल सुझाव और शिकायतों का दौर खूब चला।
देहरादून से हरीश खनेड़ा के साथ कैमरामैन राजन बड़ोला और सुमित डबराल, चैन टीवी देहरादून। तो बंद कमरे के अंदर शिकायतें भी हुई, सवाल भी किए गए, कई लोगों ने तमाम अंदर की बातें अमित शाह के सामने रखी और बहुत लोग ऐसे भी थे जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि अपनी बातों को किस तरीके से पार्टी अध्यक्ष तक पहुंचाया जाए। आज उनको ये मौका मिला था तो एक एक करके तमाम परतें भी खुली हैं, इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। अमित शाह ने लोगों के मन की बातें सुनी, अब देखना ये है कि इस पर कोई फैसला होता है, क्या कुछ लोगों पर कार्रवाई भी होगी, क्या कुछ लोगों के साथ सख्ती से निपटने की भी बात होगी। ये तमाम वो सवाल हैं जिसको लेकर के हमारे मन हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल एक तो ये है कि क्या इस दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड के अंदर सब कुछ सामान्य हो जाएगा, सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा, या फिर अंदर की गांठें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि ये किसी दौरे से सुलझने वाली नहीं है। ये तमाम वो सवाल हैं जो हम लगातार उठा रहे हैं, लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, बूथ स्तर तक पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर के भी आज मंथन हुआ, तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत की गई, क्योंकि 2019 के लिए जो लक्ष्य रखा गया है उसमें एक एक सीट पर बहुत बारीकी से नजर अमित शाह इस समय रख रहे हैं। चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ बलराज पासी जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बलराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद जी। बलराज जी, आज अमित शाह आए, आज उनका भव्य स्वागत भी हुआ, तमाम बंद कमरों में बैठक भी हुई, क्या कुछ बातें हुई बताएंगे कुछ अंदर खाने में? देखिए, पूरे देश में एक रूटीन उनका दौरा चल रहा है। ये उनका स्मार्ट प्रदेश है जी, अभी तक जो है 22 प्रदेशों में अब तक वो दौरा कर चुके हैं, 23वें प्रदेश में वो आए हैं और 2 दिन का उनका दौरा है। 2 दिन में वो पार्टी के पिछले स्तर तक के कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे और वार्ता में भी जो है वो केवल कार्यकर्ताओं से सुझाव मांग रहे हैं जी। संगठन के लिए और जनहित में जो भी चीजें हो सकती हैं उसमें क्या उनके अच्छे सुझाव हो सकते हैं, इन सुझावों को मांग रहे हैं वो। और मैं समझता हूँ कि उसमें कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि हाल फिलहाल में जो बड़े विवाद हुए हैं, हमारे पास इस तरह की भी, हमारे संवाददाता सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि इस तरह की भी बातें हुई हैं कि जो विवाद हुए हैं उनको लेकर के भी सवाल उठाए गए हैं, बहुत लोगों ने शिकायत भी की है, जिक्र सतपाल महाराज का भी हो रहा है कि तमाम विवादों पे, जो खासतौर से हरिद्वार का विवाद हुआ था, ये मामला अमित शाह के सामने भी उठाया गया। इस मामले से अगर आप कुछ पर्दा हटा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जो सारी पूरी बैठक का जो है, बैठक ऐसी, वहां मीडिया नहीं था, केवल कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं को खुलकर अपनी बात कहने का जो अवसर प्राप्त हुआ है और वो किसी प्रकार की कहीं कोई शिकायत नहीं, सुझाव है लोगों के। अब उसको किस तरीके से, किस बात को, जो कैसे, जो किस तरीके से बाहर को इस बात को बोल देता है, कह देता है, उसका कोई अर्थ नहीं जी। वो जो सुझाव दिए गए वो कौन से सुझाव या बातें थी अगर आप कुछ बता सके तो, हमारे जो तमाम दर्शक जो इस पूरे अमित शाह के दौरे पर नजर बनाए हुए हैं और आपको सुन रहे हैं तो उनके लिए बड़ा बेहतर रहेगा। नहीं, सुझाव प्रदेश के कैसे विकास होना चाहिए और प्रदेश की जो समस्याएं हैं, देश की समस्याएं जो है जी, और संगठन जो कैसे जो और मजबूत किया जाए, 2019 को देखते हुए किस तरीके से जो है ये तो स्तर पर जो है कार्यकर्ता काम करें जी, सभी तरह के सुझाव थे जी। ये तो आप बस सुझाव, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है कि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, और जो दोनों जगह सत्तारूढ़ है और प्रदेश में अधिकांश प्रदेशों में हमारी सरकार हो, वो इतना निचले स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से, मैं समझता हूँ कल तक अमित शाह जी लगभग 3,500 कार्यकर्ताओं के सम्मुख जो है रहेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। ठीक,
मैं भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर पार्टी अब तक रही है, वो कैडर से जो मास की तरफ जो बढ़ रही है जी, तो उसमें जिम्मेवारियां भी बढ़ रही हैं, और उस जिम्मेवारियों में कार्यकर्ता अपनी किस भूमिका में खड़ा है जी, इस बात को भी जो है पार्टी जो है उसको वो भूमिका उसकी तय करना चाहती है कार्यकर्ता की भी। अब मैं आपसे मेरा सवाल अगला ये है कि आपने तमाम अच्छी अच्छी बातें बोल दी कि बस संगठन कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई, कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में बातचीत हुई। सवाल इस बात को लेकर के है जो कमियां चुनाव जीतने के बाद पार्टी के अंदर उत्पन्न हुई हैं, एक अहम, एक ईगो, तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके अंदर देखने को मिली। हरिद्वार में जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा, रुड़की में, खानपुर में जिस तरीके के जो विवाद हुए वो हम सब ने देखे। क्या इस विषय पर जो नेगेटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव तो ठीक है कैसे काम करना है वो बताएंगे उन, लेकिन जो नकारात्मकता आ रही है संगठन के अंदर या पार्टी के अंदर, उसको दूर कैसे किया जाए, उसमें किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, वो उस पर बातचीत हुई या नहीं हुई? देखिए, ये उस स्तर की बैठकें ही नहीं थी जी कि इन विषयों पर जो है कोई चर्चा हो। अगर कहीं से कोई विषय आया होगा, और वैसे भी जो हम जो है पार्टी इतनी बड़े राजनीतिक दल है और अलग अलग सोच के लोग हैं, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग काम करने का तरीका है, कहीं कोई अपने जो है आपस में जो है मतभेद होते हैं या कोई घटना घटती है, और आपने देखा होगा जो भी घटना जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनको हाथ के हाथ जो है सुलझा लिया गया। यही बीजेपी की जो खासियत है कि सबको जो है जिम्मेवारी के साथ जो है काम करना, और अपनी अपनी जिम्मेवारी का सबको एहसास है। हाँ, तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ये ऐसी बैठक नहीं थी, लेकिन जो संगठन का मुखिया होता है उसकी नजरें तो इस बात पर होती हैं कि जो बात ऊपर से पहुंचाई जा रही है वो बात नीचे तक लोग करने में सक्षम है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि जो बात कही जा रही है उसको लेकर के ही लोगों के अंदर मतभेद हो और वो मतभेद इतना बड़ा हो कि उसका नुकसान अंतोगत्वा पार्टी के अंदर होने लगे। इस बात को लेकर हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, और हमारे जो संवाददाता जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे उनका भी कहना यह था कि ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं पर ऑफ द रिकॉर्ड बहुत लोगों ने बताया है कि इस तरह के सवाल उठे हैं। सतपाल महाराज ने इस बात का जिक्र किया बातों बातों में जो हरिद्वार की घटना हुई है, तो ये जो तमाम बातें सामने हो रही हैं, क्या इससे हम मान के चलें कि जो एक गुटबाजी या विवाद एक चलना आ रहा था पार्टी के अंदर वो समस्याएं दूर होंगी या इससे और बढ़ेंगी? देखिए, जिस स्तर की ये बैठकें हो रही है और जिस स्तर की चर्चा इन बैठकों के अंदर हो रही है और जिस गंभीरता के साथ जो है इसमें चिंतन और मनन चल रहा है, उसमें ये छोटी मोटी बातों का, लोगों की चर्चा का या किसी बात को कहने का कोई अर्थ नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो सुनने के लिए ही आए हैं, और ये कोई इशू नहीं है कि किसने क्या कहा। इशू इस बात का है कि प्रत्येक कार्यकर्ता की बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है गंभीरता से ले रहे हैं, और उसमें कहीं कोई नेगेटिव होगा कहीं पॉजिटिव होगा उसको भी वो सुन रहे हैं, और जो सब प्रदेश के नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो अकेले अध्यक्ष जी नहीं, पूरी उनके साथ राष्ट्रीय टीम और प्रदेश की टीम बैठी हुई है। अगर कहीं कोई छोटी मोटी घटनाएं, कहीं कोई बातचीत होगी तो उसको भी गंभीरता के साथ ले रहे हैं और उसको भी लेकर उसके भी समाधान किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो बात चाहे ग्राम स्तर की हो, चाहे वो कैबिनेट स्तर की हो, चाहे वो प्रदेश स्तर की हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो। हमारे पास सीमाएं इस बैठक के अंदर तय नहीं की, कार्यकर्ता अपनी बात को जी जो है कुछ सीमित क्षेत्र में रखेगा। यही राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो है विशेषता है और उनकी गंभीरता है कि वो इतना अपना कीमती समय लगा रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। वो कार्यकर्ताओं को गंभीरता के साथ ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं की एक गंभीर जिम्मेवारी है, इस बात का कार्यकर्ताओं को भी एहसास करा रहे हैं। एक चीज मुझे बताइए कि हमारे पास ये भी जानकारी आज आई कि अमित शाह कुछ नाराज थे कुछ, और वो कई लोग जो उनसे कोशिश कर रहे थे हाथ लाने की, वो उनसे वो रिप्लाई भी उन्होंने उस तरीके से, उसका उत्तर अभिवादन भी उन्होंने कई जगहों पर नहीं स्वीकारा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि हमारे पास इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि अमित शाह कुछ नाराज है थे उत्तराखंड आने के बाद। देखिए, जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, जिस तरीके से वो बैठक में रहे और बैठक में पूरा समय रहे,
ऐसा तो कोई विषय कहीं से कहीं तक नहीं है, इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है। इस समय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तराखंड में उपस्थित हैं, उत्साह के साथ उपस्थित हैं, कार्यकर्ताओं को सुन रहे हैं, और मैं समझता हूं आज सुबह 10 बजे से जब से प्रवेश किया है और देर रात्रि तक वो कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। कल भी ठीक सुबह 9 बजे से लेकर रात को जो मैं समझता हूं कि 11 बजे तक की व्यस्तता है, और जो है निश्चित रूप से उनके आने का, उनके आगमन का पार्टी को, उत्तराखंड सरकार को और उत्तराखंड की जनता को बहुत बड़ा दूरगामी लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। तमाम पहलुओं पे, अंदर क्या बात हुई, बाहर किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, इन तमाम पहलुओं पे हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। कुछ बीजेपी के दिग्गजों से हमने बातचीत भी की है, उन तमाम बातचीत को भी सुनाएंगे, और एक और बड़ा मुद्दा है, कुछ लोगों का अपमान भी हुआ है, वो भी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर के। अब इस बातचीत में और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रेमचंद अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, स्पीकर हैं उत्तराखंड विधानसभा के। प्रेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रेमचंद जी, आज अमित शाह पहुँचे हुए हैं, तमाम भव्य तरीके से उनका स्वागत हुआ, तमाम कार्यकर्ताओं की उन्होंने बातचीत भी सुनी। मेरा पहला सवाल आपसे इसी बात को लेकर के है कि जो तमाम हाल फिलहाल में जो विवाद हुए हैं, इसको लेकर के इन मुद्दों को रखा गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, क्योंकि काफ़ी बदनामी भी हुई, बहुत लोगों ने केंद्र तक जो है अपनी शिकायतें भी पहुंचाई, खास तौर से जो हरिद्वार में हुआ, रुड़की में हुआ, खानपुर में हुआ, इन विषयों को भी रखा गया क्या? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज हमारे देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पे हैं, और उनका 2 दिन का दौरा इस देहरादून में होना है जी। पहले दिन में उनके 21 कार्यक्रम जो है बैठकों के विभिन्न बैठकों के माध्यम से वो यहाँ आहूत किए गए हैं, और विभिन्न तरीकों से, जैसे कोर कमेटी के साथ बैठक, विधायकों के साथ बैठक, माननीय सांसदों के साथ बैठक, और उसके अलावा अनेकों और भी कार्यक्रम उनके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मुद्दा जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इसकी कहीं चर्चा उनके सम्मुख आई है जी, क्योंकि हमारे पास कुछ लोगों ने सूत्रों के हवाले से, और ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं पर ऑफ द रिकॉर्ड, इस बात का कुछ लोगों ने जिक्र किया कि किसी बात में जो है सतपाल महाराज ने इस घटना का जिक्र किया था, तो आप ये आप सिरे से खारिज कर रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई? देखिए मैं चूंकि उस बैठक में नहीं था जी, इसलिए उस बैठक में उन्होंने क्या कहा होगा मुझे जानकारी नहीं है जी, और मान लिया कोई बात इस प्रकार की है भी जी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि परिवार का मुद्दा है तो परिवार के सामने ही कोई आदमी कहेगा बिल्कुल, तो इस स्थिति को मैं स्पष्ट इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं उस बैठक में मौजूद था जिसकी आपने भी चर्चा भी की है। तो ठीक, एक चीज मुझे बताइए, क्या हम ये उम्मीद करें कि अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे के बाद पार्टी की के अंदर जो इस तरह की जो तमाम नकारात्मक खबरें सामने आई हैं जिससे कि छवि भी पार्टी की धूमिल हुई है, कि आपस में ही इस तरह के सड़कों पर जो विवाद हुए हैं, ये उम्मीद करें कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और सख्त संदेश दिया जाएगा, अनुशासन में रहने की सलाह दी जाएगी? मेरा ये मानना है कि हमारा जो भारतीय परिवार है जी,
जनता पार्टी परिवार, क्योंकि वैसे मैं अध्यक्ष विधानसभा को नाते नहीं बोल सकता, लेकिन तो भी मैं इस परिवार से जुड़ा रहा हूँ, उस नाते बोल सकता हूँ कि सबसे बड़ा दल यदि विश्व में कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जी। और यदि उस दल में, उस पार्टी में यदि इस प्रकार की कुछ घटनाएं हो भी रही है तो ये कोई अप्रत्याशित भी नहीं है। जी। और इस प्रकार की घटनाएं ना हो, ये तो पार्टी का, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे स्वयं कोई व्यक्ति भी हो, वो भी नहीं चाहता कि अनुशासन के दायरे से बाहर होकर कोई बातचीत की जाए। तो मेरा ये मानना है कि अनुशासन में हम सब लोग, पार्टी के जो दूसरे लोग हैं, बड़े लोग हैं, पार्टी के नेता लोग हैं, अनुशासन को समझते भी होंगे, अनुशासन के दायरे में रहकर ही अपनी बात करते होंगे। इन कुल मिलाकर इस प्रकार की पुनरावृत्ति किसी भी दल में, चाहे भाजपा में चाहे किसी और दल में, नहीं होनी चाहिए। पार्टी फोरम पे विषय भी कहीं से भी आएगा, पार्टी फोरम पे आएगा जी, तो निश्चित रूप से वहाँ सुलझाया भी जाता है। और जहाँ तक मेरा मानना ये भी है कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ उत्तराखंड के दौरे पे आए हैं, ये खाली इसलिए नहीं आए कि किसी का शिकायत, किसी के इस प्रकार की बात, एक रूटीन उनका जो प्रवास है, पूरे देश भर में उनके प्रवास चल रहे हैं, हर राज्य में, तो हमारे राज्य में यानी उत्तराखंड में भी उनका एक दौरा है, और उसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे मैंने बताया कि 21 कार्यक्रम छोटे बड़े, 21 बैठकें लगातार 2 दिन के अंदर उनकी होनी है, तो ये समझिए कि कितना व्यस्तम कार्यक्रम उनका है, कितना जबरदस्त उनका जो है एक लाभ हमारे यहाँ के लोग, चाहे वो सामाजिक संगठन है, चाहे राजनीतिक संगठन है, या अन्य हमारे अनुसांगिक क्षेत्र है, वो ले रहे हैं, और उनका मार्गदर्शन जिस प्रकार से मिल रहा है, मिलेगा जी, तो ये अपने आप एक अनूठा भी है और एक अद्वितीय भी है। चलिए एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में जवाब जाना चाहेंगे। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार कामकाज कर रही है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। माफ कीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसान खास तौर पे, जो अभी आंदोलनरत रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष की तरफ से महंगाई को लेकर के, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी हुई हैं, जो हालांकि केंद्र से जुड़ा हुआ विषय है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन विषयों पर भी क्या बातचीत होगी, खासतौर से तब जबकि राजस्थान के अंदर 20,000 करोड़ का कर्ज जो है वो माफ किया गया है, तो इन तमाम मुद्दों पे क्या बातचीत होगी क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जैसा मैंने कहा कि अलग अलग मंचों पे अलग अलग बैठकें होनी है जी, हर बैठक का जो दायरा है वो सीमित है। माना यदि सरकार के लिए कोई बैठक है तो उस दायरे में हम नहीं है, ना उसके लिए मैं अधिकृत हूँ, लेकिन निश्चित रूप से 6 महीने में जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है ये अपने आप में अच्छा काम कहा जाएगा। जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस, जिस प्रकार से पलायन या को रोकने के लिए पलायन आयोग, जिस प्रकार से आज विकास की गति बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार के 6 महीने पूरे हो रहे, मैं सरकार को भी बधाई दे रहा हूँ, और सरकार के अच्छे कामों की निश्चित रूप से जनता भी सराहना कर रही है। तो आने वाला समय जो है, जिस प्रकार से माननीय अमित शाह जी भी हैं, तो निश्चित रूप से वो शाबाशी देके सरकार को जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमचंद जी अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। अब जनता वाकई में सराहना कर रही है कि नहीं, ये तो आने वाले जो चुनाव होंगे उससे जनता अपना मत जो है वो दे करके बताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इन सबके बीच में बीजेपी के बिग बॉस अमित शाह आज सुबह झारखंड से सीधे उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। जॉली ग्रांट के बाद दून के मधुवन होटल में पहुंचने के बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहली बैठक में पार्टी पदाधिकारी, विधायक, सांसद, मंत्री और जिला पंचायत मौजूद रहे और सभी ने अपने अपने विचार और सुझाव बीजेपी के सबसे बड़े लीडर यानी अमित शाह के सामने रख दिए। पहली बैठक से बाहर निकले मंत्रियों ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। पूरे देश भर में लगभग 100 दिवसीय इनका प्रवास चल रहा है, और जो संगठन को मजबूती दिलाने के दृष्टिकोण से, आगे बढ़ने के दृष्टिकोण से, और जो भी कमियां हैं उनके समाधान करने के दृष्टिकोण से है। माननीय अध्यक्ष जी के इस प्रवास में 7 महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित होनी है, जिसमें पहला सत्र हमारा पूरा हुआ और उस सत्र में मुक्त चिंतन था। कार्यकर्ताओं ने अपने मन की बात कही और उसके आधार पर हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं इसके संबंध में उचित मार्गदर्शन मिला है। माननीय अमित शाह जी ने पहले सत्र में जिस तरह जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को, सीधे लगभग 70-80 कार्यकर्ताओं ने अपनी बात, जो प्रदेश के स्तर की, केंद्र के स्तर की बातें माननीय अमित शाह जी के सामने रखी हैं, इससे निश्चित रूप से ये पहला अवसर है कि प्रदेश सरकार, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह सीधे जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं। और मुझे माननीय अमित शाह जी का ने जिस तरह अपेक्षा की है कि हम जो कमज़ोर हमारे बूथ हैं वहाँ भी पार्टी को, हमें पूरे देश के अंदर
उत्तराखंड के गांव-गांव तक हमें पार्टी को और मजबूत करना है। आज की जो बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रही और इस बैठक में संगठन से लेकर विधायकगण से लेकर मंत्रीगणों ने अपने अपने सुझाव दिए और ये अधिकतर सुझाव विकास से संबंधित आए और इन सुझावों में किसी ने रोजगार से संबंधित सुझाव दिए, किसी ने रेलवे से संबंधित सुझाव दिए, किसी ने महिलाओं को सशक्त करने से संबंधित सुझाव दिए। तो एक ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्येक व्यक्ति की बड़ी गंभीरतापूर्वक विषयों को सुना और उसे लिखित में भी उनके स्टाफ के माध्यम से उसे लिखा गया। निश्चित रूप से इन सुझावों पर हम अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले वक्त में इसमें काम होगा। उनने ये आश्वासन दिया है, मैं समझती हूँ आने वाला वक्त उत्तराखंड की तस्वीर जरूर बदलेगी। किसानों का मसला हो, महिलाओं का मसला हो या अन्य मसला हो, वो सारी चीजें उन समस्याओं को नोट कर दिया गया है। उनकी ओर से आश्वासन है कि इन सभी समस्याओं का वक्त रहते जल्दी ही निराकरण किया जाए। दो दिन के दौरे पे यहाँ हैं और आज जिलाध्यक्षों की, विधायकों के, सांसदों के और पार्टी के सारे वरिष्ठ लोगों की बैठक होने ली है और एक ही लक्ष्य रखा है कि हर बूथ तक बीजेपी जानी चाहिए और बीजेपी की जो है बूथ की इकाई गठन होना चाहिए, वहाँ पे महिला मोर्चा का गठन होना चाहिए, युवा। इसके अलावा और क्या कुछ कहा गया वो भी सुन लीजिए। संगठन और हमारे जो अनुशासित संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठक की है और सुझाव भी उन्होंने सुझाव मांगे हैं और सुझाव के अलावा जो भी समस्याओं का हमारे साथियों ने जिक्र किया है उसको उन्होंने गंभीरता से लिया है, उसको सूचीबद्ध भी किया है और निश्चित रूप से एक खुले मन से हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी बात को रखा, उन्होंने सहजता से सारी बातों को सुना भी है और एक अपनापन सा भी लगा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं के भावनाओं को सम्मान करते हुए उनकी बातों को गंभीरता से, उन्होंने सुझावों को गंभीरता से लिया। आज जो पहली बैठक थी, क्योंकि 6-7 तरह की 6-7 दौरों की बैठक होनी है, इसमें वरिष्ठ लोगों से लेकर हमारे मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ उनको बैठ रहे हैं और पहली बैठक में क्योंकि विधायक लोग थे, सांसद थे और संगठन के सभी वरिष्ठ लोग थे, तो इस बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधा सीधा हमारी तरफ ये कहा कि आप क्या और अच्छा हो सकता है राज्य के लिए, संगठन में और क्या हो सकता है, तो सुझाव मांगे थे। करीब 65 से ज़्यादा लोगों ने सुझाव दिए और इन सभी सुझावों को, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टीम आई थी, दो लोग स्पेशली इस काम के लिए आए थे, हर सुझाव को उन्होंने नोट किया है और भरोसा दिलाया कि इस राज्य के विकास के लिए और केंद्र सरकार जितना संभव हो पाएगी उस सुझाव के माध्यम से जो लोगों ने समस्याएं रखी थी उनका पूरा आश्वासन दिलाया कि उनमें पूरी मदद करेंगे। जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठक हुई है और उनके साथ संवाद हुआ है, अध्यक्ष जी का बेहतर संवाद हुआ है और बहुत आनंद। पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा इसको लेकर के हमने खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने उनसे, तमाम विषयों को लेकर के क्या कुछ इस बातचीत में निकला जरा वो देख लीजिए। मेरे साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीरथ सिंह हैं सचिव, उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से आज यहाँ पे अमित शाह पहुँचे हैं, किस तरह को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं, क्या क्या विषय बैठकों में रखा गया। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहली बार जिस तरह का ताबड़तोड़ एक प्रवास पूरे देश भर के अंदर, आज 23वां राज्य यह है और जिसमें वो 3 दिन बड़े राज्यों में पूरा रात और दिन कार्यकर्ताओं के साथ में वहाँ के जनप्रतिनिधि और वहाँ के मंडल के पदाधिकारियों के साथ तक बातचीत करना और यही नहीं तो विभिन्न प्रकार के आयों में प्रकल्पों पर बातचीत करना और सीधे सीधे समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी का क्या मैसेज है और 2019 हमको और बहुमत से सिद्ध करके आना है। जैसे कि सरकार और संगठन के बीच भी समीक्षा होने की बात की जाएगी इसमें। देखिए, स्वाभाविक है, सरकार भी है, संगठन भी है, केंद्र भी है, तो निश्चित है कि उससे भी बातचीत और सारी चीज़ें और जो जो भी जिस प्रकार का कार्यकर्ता और जनता है जो चाहती है और जिन उद्देश्य और विश्वास के साथ में उसने भारतीय जनता पार्टी को एक पूर्ण बहुमत दिया उस पर हम लोग खरा उतरेंगे, यह भी विषय है। जैसे कि जो बीजेपी के अंदर की जो लड़ाई है, क्या इसको लेकर की भी बातचीत की जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष? पहली बात तो है कि बीजेपी के अंदर किसी भी प्रकार का मतभेद, मनभेद और न किसी प्रकार का विवाद है।
चलिए इस पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए जय सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रावत साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार। नमस्कार रावत साहब, अमित शाह का दौरा है और अभी 2019 में समय है, लेकिन जिस तरीके से जिस तत्परता से हम देख रहे हैं बाकी पार्टियों के मुकाबले, जो बाकी पार्टियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मुकाबले ज़्यादा सक्रिय 2019 को लेकर के अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। अभी झारखंड में थे, अब उत्तराखंड पहुंचे हैं, कैसे देख रहे हैं उनकी सक्रियता को आप? देखिए निश्चित रूप से अब इस समय जो शिखर पर बीजेपी है और उसके चाणक्य अमित शाह है, तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी भी इनकी है। अभी वो सारे देश भर में कर रहे हैं, इनका लक्ष्य जो है 2019 के लिए है। और सामान्य तो क्या होता ये है कि एंटी इनकम्बेंसी होती है और इनको उसका भी मुकाबला करना, लक्ष्य इनका 350 सीट का है जी। तो वो है, वो कर रहे हैं। बाकी और जगह है, उत्तराखंड में तो फिलहाल दो ही दिन का इनका दौरा है। खास बात यह है कि ये अपनी पार्टी का कार्डन से बात कर रहे हैं, सारे लोगों से टॉप टू बॉटम सब बात हो रही है, लेकिन बाहर के लोगों से भी बात हो रही है। यहाँ देहरादून में आज उन्होंने बुद्धिजीवियों के साथ भी इंटरेक्शन का प्रोग्राम इनका था। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, इस दौरान उत्तराखंड के अंदर तमाम तरह के विवाद सामने आए, और चाहे हरिद्वार का मसला हो, रुड़की हो, खानपुर हो, तो क्या ये मान के चलें इस आगमन के बाद और ये बैठकों के बाद पार्टी के अंदर जो भी तमाम विवाद थे वो सुलझ जाएंगे, एक सख्त संदेश ऊपर से दिया जाएगा, या आपको लगता है कि सब कुछ वैसा ही रहेगा अमित शाह के दौरे के समाप्त होने के बाद? ये तो कहा नहीं जा सकता कि सब कुछ सुलझ जाएगा, क्योंकि अपने देखिए राजनीति में कई बातें होती हैं, लोगों के अपने अपने एम्बिशन हैं, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। दूसरी बात ये दरअसल फीडबैक लेने आए हुए हैं कि सरकार और संगठन का आपस में तालमेल है या नहीं है। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो 2019 का जो चुनाव होगा तो उत्तराखंड सरकार की जो परफॉर्मेंस होगी ये, और भारत सरकार की मोदी जी की परफॉर्मेंस और त्रिवेंद्र सिंह रावत की परफॉर्मेंस को लेकर ही ये चुनाव में जाएंगे। तो एक तो ये देख रहे हैं कि क्या भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा, या उसका क्या इम्पैक्ट है। दूसरा ये देख रहे हैं कि 6 महीने हो गए इस सरकार के बारे में पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है, एक तो ये देखेंगे। तो इसी वजह से वो विधायकों से बात कर रहे हैं, इसी वजह से वो अपने पार्टी कार्डर से बात कर रहे हैं, सीधे कर रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने आज प्रबुद्ध जनों से बात की कि ताकि जो पार्टी से इतर जो है वहां से अगर कोई कमियां हो तो बाहर के लोग उसको उनको बता सकें, ताकि जब इनको असलियत का पता चले तो फीडबैक इनको मिल जाएगा, तब जाके ये टिप्स देंगे। जो आपने बात की वो तो निश्चित रूप से है, वो एक समस्या इनकी वो भी जो एरोगेंस की बात है दी। तो जो अहंकार पार्टियों में आ जाता है, सत्ता में आ जाती है, सिर्फ पार्टी इनकम्बेंसी तभी आती है। और उत्तराखंड में तो दिक्कत आप जानते हैं कि 2009 में यहाँ सरकार बीजेपी की थी, सब 5 की 5 सीट कांग्रेस लगी थी। 2014 में यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो 5 की 5 सीट बीजेपी ले गई थी। 2019 में क्या यही इतिहास दोहराया जाएगा या नहीं दोहराया जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। चलिए आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रावत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर का विश्लेषण करने के लिए। तो आज पहला दिन था, पहले दिन क्या कुछ घटा अंदर से लेकर बाहर तक, क्या कुछ ऑन रिकॉर्ड कहा गया, ऑफ द रिकॉर्ड क्या खबरें थी, इन पूरी तमाम चीज़ों का विश्लेषण किया। आप कल दूसरा दिन है, क्या कुछ निकल के आएगा उसके लिए भी आप जैन टीवी पर अपनी नज़रें बनाए रखिए। इस विषय को फिलहाल यहाँ समाप्त कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के साथ आपको हम छोड़ जा रहे हैं। आपको हम एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले एक सवाल है। सवाल ये कि क्या अब खंडूरी भाजपा के लिए ज़रूरी नहीं रहे, क्या भाजपा पूरी तरीके से बदल चुकी है? आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि अब खंडूरी ज़रूरी नहीं रहे। वैसे एक वक्त वो भी था जब खंडूरी बेहद ज़रूरी थे, खैर अब वक्त बदल चुका है। इस रिपोर्ट को देखिए, ये बात हम क्यों कह रहे हैं। वैसे इस रिपोर्ट पर जैन टीवी मोहर नहीं लगा रहा है, मगर सूत्र जो बता रहे हैं ये रिपोर्ट उसी के आधार पर तैयार की गई है, आप भी देखिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खैर मकदम में पलक पावने बिछाए भाजपा संगठन और सरकार की सियासी सूरत अब बदल रही है। जो भाजपा कभी संस्कारों की बात करते हुए बुजुर्गों के सम्मान की बात करती थी, वो भाजपा अब बदल गई है। आज जब होटल मधुबन में आला पदाधिकारियों की बैठक में शिरकत करने उम्रदराज
गढ़वाल सांसद और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी पहुंचे तो उनको बैठने के लिए पहले जगह तक नहीं मिली। हाल ये था कि ना तो उनके लिए मंच पर जगह रिजर्व मिली और ना नीचे पहली पंक्ति में। बहरहाल जैसे तैसे खंडूरी के लिए जगह बनाई गई, लेकिन नई भाजपा का नया प्रबंधन बता गया कि बदलती हुई भाजपा में बुजुर्गों के लिए ना कोई जगह है न दिलों में सम्मान। इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीसी खंडूरी को भाजपा शायद ही टिकट दे। शायद नए दौर के भाजपा के आला नेता भूल रहे हैं कि उम्र कहां का सबके लिए होता है। आज नई भाजपा बुजुर्गों से कतरा रही है तो आने वाले कल की नई पीढ़ी भी मौजूदा दौर के नेताओं से बहुत कुछ सीखकर गांठ में बांध रही है। ऐसे में कहने वाले कह रहे हैं कि नई भाजपा में उत्तराखंड के लिए अब ना खंडूरी जरूरी है और ना उनकी ईमानदार वाली छवि और ना ही उनका अनुभव। इसका मतलब साफ है कि शायद 2019 में गढ़वाल संसदीय सीट पर भाजपा किसी नए दावेदार को आजमाएगी और खंडूरी आडवाणी की तरह को भवन में चले जाएंगे। देहरादून से हरीश खनीड़ा के साथ कैमरामैन राजन वड़ोला और सुमित डबराल, जैन टीवी, देहरादून।